हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअलिटी अप्लाइड पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं रामायण से एक स्टोरी को, और स्टोरी से हम आज कुछ वैल्यूएबल टीचिंग्स को सीखने वाले हैं। बात एक बार की है, जब लंका जीतने के बाद जब भगवान श्री राम, माता सीता सभी लोग जो है अयोध्या आ चुके थे, और भगवान श्री राम जो है बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे अर्थ को मैनेज कर रहे थे, रूल कर रहे थे, चारों तरफ खुशहाली थी, शांति थी। इसी बीच में एक बार ऐसा होता है कि हनुमान जी एक बार अयोध्या में घूम रहे थे राजमहल के अंदर, तो उन्होंने देखा कि माता सीता जो है वो अपने माथे पर जो है सिंदूर लगा रही है। क्योंकि हनुमान जी को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने जाके माता जी से पूछा, सीता माता से, कि आप ये क्या कर रही हैं माँ। तो सीता माता ने उन्हें बताया कि हनुमान, ये मैं जो लाल जो टीका है, सिंदूर है, इसको हम विवाहित स्त्रियाँ लगाती हैं ताकि जो हमारे पति हैं, आराध्य हैं, उनकी रक्षा हो पाए, उनकी उम्र लंबी हो पाए, और हमारे सबके जो प्रभु हैं श्री राम ना, तो उनकी रक्षा के लिए, उनकी सलामती के लिए मैं ये सिंदूर लगाती हूँ। हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा ये आइडिया, क्योंकि हनुमान जी नेचुरली डिवोटी हैं भगवान के शुद्ध भक्त हैं, सेवक हैं, तो उनकी हमेशा ही इच्छा होती कि भगवान की रक्षा हो और जो है भगवान को किसी प्रकार का खतरा ना हो। तो हनुमान जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अगर एक चुटकी सिंदूर लगाने से अगर भगवान की उम्र जो है लंबी हो जाती है, उनकी रक्षा होती है, तो क्यों ना मैं इसको पूरे बॉडी में लगा लूँ, थोड़े से इतनी रक्षा हो सकती है थोड़े से सिंदूर से, तो अगर मैं ज़्यादा लगाऊंगा तो ज़्यादा रक्षा हो पाएगी। तो हनुमान जी कई किलो सिंदूर लेके आए और अपने पूरे बॉडी में पूरा, आप हम लोग देखते भी हैं कि जो है हनुमान जी की पूरी बॉडी पर जो है भगवा कलर लगाया जाता है, पेंट किया जाता है सिंदूर से, तो ये प्रथा वहीं से निकल के आई है कि हनुमान जी ने पूरे अपने शरीर पर सिंदूर लगा लिया। और जब ये सिंदूर लगा के हनुमान जी घूमने लगे पूरे अयोध्या के अंदर, राजमहल के अंदर, सभी लोग कह रहे हंस रहे हैं देख के, ये क्या हो गया। तो अंत में भगवान श्री राम जो है, जब राज्यसभा के अंदर हनुमान जी जाते हैं, तो भगवान पूछते हैं कि आप ये क्या कर रखा है हनुमान। तो हनुमान जी ने बताया कि प्रभु, मुझे पता चला कि सीता माता जो है अपने माथे पे सिंदूर लगाती है और उससे आपकी रक्षा होती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस सिंदूर को मैं पूरे शरीर पे लगा लूं, जिससे आपकी रक्षा जो है कई गुना बढ़ जाए। ये सुन के जो है भगवान श्री राम बड़े इमोशनल हुए, उनको समझ में आया कि हनुमान जी का जो प्रेम है भगवान के लिए वो कितना निस्वार्थ है, कितना शुद्ध प्रेम है। दूसरी जो घटना है जो अभी हमने डिस्कस किया, ये वैसे तो साधारण घटना, बट इसके पीछे एक बहुत गूढ़ सिद्धांत है। सिद्धांत ये दोस्तों कि अगर सीता माता चाहती हैं कि भगवान श्री राम की रक्षा हो, तो उन्होंने अपने एक्शन से दिखाया कि कैसे हम रक्षा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सीता माता को सिंदूर लगाते हुए देखकर हनुमान जी भी सीख गए कि ऐसे लगाने से जो है भगवान की रक्षा होती है, यह सिस्टम होता है। तो यहां जो लर्निंग प्रोसेस जो है हनुमान जी जो सीख रहे हैं, वो सीता माता को देख के सीख रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है दोस्तों, कि हर व्यक्ति जो है, जरूरी नहीं कि किताबों से पढ़कर उसको जबरदस्ती रटवा के कोई व्यक्ति सीखता हो। मैक्सिमम केसेस में दोस्तों हम जो है अपने सुपीरियर्स को, अपने लीडर्स को, अपने टीचर्स को, उनको देखकर हम सीखते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली में, हमारी टीम में, हमारे ऑफिस के अंदर, हमारे कॉलेज में लोग अच्छी बातें सीखें, अच्छा काम करें, उनका व्यवहार अच्छा हो, उनका चरित्र अच्छा हो, तो सबसे पहले जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन को सुधारें, हम अपना आचरण सुधारें, हम रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिखाएं, तब जाकर लोग भी रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे और लोगों को अच्छी अच्छी हम लोगों को राय देंगे और लोग हमारी राय को सुनकर अच्छा काम कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। लोग जो है देखते हैं आपको, अब देखते हैं कि व्यक्ति कैसा है, ये जो बोल रहा है वो अपने जीवन में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये दोस्तों हमें याद रखना चाहिए कि टीचिंग जो है वो ऑलवेज इंस्ट्रक्शन पर बेस्ड नहीं होता है, टीचिंग जो है या लर्निंग जो है, लीडरशिप जो है वो इंस्पिरेशन बेस्ड होता है। व्यक्ति इंस्पिरेशन लेता है सामने वाले व्यक्ति को देखकर, तब वो जाकर अपने जीवन में उतारता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही शिक्षा जो है भगवद गीता के चैप्टर 3 श्लोका नंबर 21 में दिया है, यद यद आचरति श्रेष्ठा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा दोस्तों आपको। भगवान कह रहे हैं चैप्टर 3 श्लोका नंबर 21 में,
वॉट एवर एक्शन ए ग्रेट मैन परफॉर्म्स कॉमन मैन फॉलो। जो ग्रेट पर्सनालिटी जिनको सेट करती है एग्जाम्पल को, कॉमन आदमी उसको फॉलो करता है। एंड वॉट एवर स्टैंडर्ड ही सेट बाय एग्जाम्पलरी एक्ट ऑल द वर्ल्ड परसुएसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा काम करें, हमारी फैमिली में लोग अच्छी बातें सीखें, तो सबसे पहले एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एज ए लीडर हमें अपना आचरण सुधारने की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे वैदिक शास्त्रों की शिक्षा है कि पहले आचार, पहले आचरण, फिर जाकर प्रचार। ऐसा नहीं कि हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और हमारा आचरण जो है अपने पर्सनल लाइफ में वो ही थर्ड क्वालिटी का है। वो बातें व्यक्ति के हृदय में टच नहीं होंगी। वो जी कितना भी अच्छी बातें हम रट के बोल दें, अगर हम अपने जीवन में खुद नहीं अपना रहे, वो बातें लोगों के हृदय को कभी स्पर्श नहीं करेंगे, पेनिट्रेट नहीं करेंगे। इसलिए हम देखते हैं दोस्तों कि आज के समय में कई लोग जो हैं भगवद गीता के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और सेमिनार्स कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कथा कर रहे हैं, आंखों से आंसू निकाल रहे हैं, बट लोगों का जो जीवन है, उनका जो चरित्र है, वो नहीं बदल रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति बातें कर रहा है वो पता नहीं अपने जीवन में उसको अप्लाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो टीचिंग जो है दोस्तों ऑलवेज इंस्पिरेशन बेस्ड पे होता है, ना कि इंस्ट्रक्शन बेस्ड पे सिर्फ टीचिंग्स होती है। और दूसरा ये भी फायदा दोस्तों कि जब लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति कर सकता है, ये प्रैक्टिकल है, भगवद गीता पढ़ सकता है, अपने लाइफ में चैंटिंग कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है, अपने लाइफ में वैल्यूज, मॉरल प्रिंसिपल, एथिक्स को फॉलो कर सकता है, इसका मतलब ये मेरे लिए भी पॉसिबल है। एज ए यूथ, एज ए यंग, मैं भी इस चीज़ को कर सकता हूँ, मेरे लिए भी प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये सामने वाला व्यक्ति जो स्पिरिचुअलिटी फॉलो करता है, भगवद गीता की शिक्षाओं को पालन करता है। तो अगर हम लाइव एग्जाम्पल्स को जब देखते हैं तो हमें भी एक इंस्पिरेशन मिलता है, हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट सेट हो जाता है, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोगों को विश्वास देने के लिए, उनको रेफरेंस पॉइंट देने के लिए, हम पहले अपने जीवन में यद आचरति श्रेष्ठा भगवद गीता 3.21 इस सिद्धांत का हम जरूर पालन करें। अगर हम ऐसा पालन करते हैं तब जाकर लोग ऑटोमेटिक जो हमें देख कर और हमारे व्यवहार से, हमारे चरित्र से प्रेरणा लेकर अपना जीवन जरूर सुधारेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये टीचिंग जरूर अच्छा लगा होगा। लीडरशिप टीचिंग्स बाय एग्जांपल, नॉट ओनली बाय वर्ड्स। एग्जाम्पलरी बिहेवियर लोग पसंद करते हैं, सीखते हैं। लीडरशिप टीचिंग्स जो है, या टीचिंग जो है, व्यक्ति देख कर सीखता है, ना कि सिर्फ सुनने से सीखता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करेगा। आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं कि अगला आप किस तरीके के टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा।